को दिल्ली वार्ता के लिए सूचना आएगी तो उसी संबंध में वार्ता के लिए बातचीत हुई है। मतलब कहा दिल्ली से कहा गया था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, क्या सर अभी जो कयास लगाया जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार के, क्या उसको लेके भी चर्चा हुई है? कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्ते भर के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। अभी इस पे कोई चर्चा नहीं है, जब तक दिल्ली नेतृत्व से कोई सूचना नहीं आएगी तब तक उस पे कुछ नहीं हो सकता है। आपकी जानकारी के अनुसार, क्योंकि आपको तो ज्यादातर सभी चीजें पता रहती है, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, कब कहां क्या होने वाला है, तो उसकी जानकारी के अनुसार क्या मंत्रिमंडल विस्तार की कोई जानकारी अभी तक है? देखिए, जब चुनाव का बिगुल बजते हैं, बजने के पहले, आचार संहिता लगने के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुआ था पिछली बार, और यूपी में भी विस्तार हुआ था, तो उस आधार पे ये हम लोग कहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा रहती है। मतलब हो सकता है, जो अभी जो ये है कि लोकसभा चुनाव में जो महीने भर का टाइम, लगभग महीने दो महीने का, उससे पहले उत्तर प्रदेश में हो सकता है। कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? एक आपका नाम चर्चा में था, आपने ये भी कहा था कि जो विपक्ष के जो लोग एनडीए में शामिल हुए हैं या आरएलडी है, उनको भी मौका मिलने वाला है। अब जो बातें वहाँ नेतृत्व के तय हुआ होगा, अब वो हमको जानकारी नहीं है, वहाँ से जो सूचना आएगी तो वो सब आपके सामने मिलेगी। एक सवाल और है, अभी जिस तरह से आपने पहले ही बताया था कि समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग होगी, उसके बाद क्रॉस वोटिंग भी तमाम विधायक उनसे अलग हुए, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी में, कल वो राम दर्शन के लिए गए रामलला की, उन्होंने कहा कि अभी तक उनको मौका नहीं मिला, उनको रोक दिया जाता था, लेकिन अब वो स्वतंत्र हैं, उन्होंने रामलला के दर्शन किए, तो क्या दिक्कत है? जो भगवान राम को मानने वाले लोग हैं वहां तो दरवाजा खुला है, जाके दर्शन करना चाहिए, कौन रोक रहा है? तो पहले जिनके साथ थे वो भगवान राम को नहीं मान रहे थे क्या, समाजवादी पार्टी जो वो कह रहे हैं कि वहाँ समस्या होती थी दर्शन नहीं करने? भगवान राम के गुरु को तो मानते हैं, शंकर भगवान की तो पूजा सुने की कार्यालय में की, और मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं सैफई में, तो चाहे राम कहिए चाहे शंकर भगवान कहिए चाहे कृष्ण कहिए, सब एक हैं, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान, तो सब एक हैं। तो अब उनका विषय है, और संविधान में सभी लोगों को छूट है अपने अपने धर्म अपने अपने मजहब के हिसाब से पूजा पाठ करने का। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी में अभी ये जो विधायक हैं इसके अलावा और भी लोग हैं जो टूटने वाले हैं और इंडिया के साथ आने वाले हैं? धैर्य रखिए, कुछ तो बता दीजिए, आपको तो सारी मालूमात रहती है, धैर्य रखिए, बताएंगे।